हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि 10K सब्सक्राइबर आप लोगों ने मुझे दिए, मेरा इतना सपोर्ट किया, मेरे लिए काफी बड़ी बात है। 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए काफी सारे लोगों को लगेगा कि यार 10K सब्सक्राइबर की क्या खुशी मनाना, लेकिन मेरे लिए तो एक एक सब्सक्राइबर काफी ज्यादा मायने रखता है। और आपका जो एक एक सब्सक्राइबर आप लोगों ने मुझे दिया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया यार। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए और मैं इसी तरह वर्क करती रहूंगी। आप मेरे काम को पसंद करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्या ब्यूटी चैनल। इस चैनल पर जैसे विद्या दीदी शेयर करती आई होम रेमेडीज के बारे में, ब्यूटी टिप्स के बारे में, ब्यूटी हैक्स के बारे में, ब्यूटी मेकअप्स के बारे में भी है। जैसे और मेरे चैनल को आप सर्च कीजिए वैशाली गायकवाड़ करके यूट्यूब में, और मुझे ही सपोर्ट कीजिए और विद्या दीदी को भी सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके भी पीरियड काफी ज्यादा लेट होते हैं, आपके पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं, तो मैंने एक वीडियो इस पर पहले भी बनाई थी, तो मुझसे काफी सारे लोगों ने पूछा था सवाल कि आप एक बार और वीडियो बनाइए, कुछ ऐसी चीज बनाइए जिसे हम इजीली घर पर कर सके, घर पर ले सके। तो आज उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। अगर आपको भी आपके भी पीरियड मतलब टाइम पर नहीं आ रहे, पीरियड बार बार मिस हो रहे हैं, एक महीना छोड़कर दूसरे महीने में पीरियड आ रहे हैं, या पीरियड का जो टाइम है वो 15-15 दिन आगे जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको यहाँ पर एक चीज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके पीरियड मिस होते हैं तो उसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको, अगर आप टेंशन में रहते हैं, काफी ज्यादा आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, आपको काफी ज्यादा वर्कलोड है, किसी भी चीज को लेकर आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं, या आपकी बॉडी में काफी सारी खून की कमी हो चुकी है, आपकी बॉडी में जो HB लेवल है यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो चुका है, तो वो उसकी वजह से आपको पीरियड लेट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी रेमेडी जिसे फॉलो करके आप अपने पीरियड्स को टाइम पर ला सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से एक चीज बताने वाली हूँ। मैंने भी इसको ट्राई किया है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है ये रेमेडी। अजवाइन जो होती है, अजवाइन हम सबके घर में होती है, हम खाते भी हैं यार, अजवाइन को खाने में भी यूज करते हैं। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, अजवाइन एक गिलास पानी को आप पहले गर्म करिए, थोड़ा सा उबाल आने दीजिए, उसके बाद उस पानी में आपको अजवाइन मिलानी है। अजवाइन मिलाकर उसको 5 मिनट के लिए आपको बॉइल करना है, अच्छे से उबाल लेना है, बॉइल कर लेना है। उबालने के बाद उसको आपको छान लेना है और उसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद, या आप गुड़ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। शहद अगर यूज नहीं करना चाहते तो गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा आप उसके अंदर मिला दीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए। इसको आपको सुबह शाम दिन में 2 बार पीना है। तो ये जो होम रेमेडी मैंने आपको बताई है पीरियड जल्दी लाने वाली, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है आपके पीरियड, यकीन मानिए 3 से 4 दिन के अंदर अगर आप इसको सुबह शाम पीते हैं ना, तो रेगुलर हो जाएंगे, आपके पीरियड आ जाएंगे अगर रुके हुए हैं तो। तो सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो पानी आपने बनाया है अजवाइन का, इसको आपको कब पीना है वो मैं आपको बता दूं। इस पानी को आपको पीना है जब आपके पीरियड की डेट होती है, अगर आपको लगता है कि आपके बार बार पीरियड मिस हो रहे हैं, तो जब आपके पीरियड आने वाले हों उसी डेट के 5 से 6 दिन पहले आपको इसको पीना है। सो फ्रेंड्स, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पास में म्यूजिक बज रहा था काफ़ी लाउड, तो मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूंगी, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो शूट करी थी। सो मैं आपको बता दूं कि अजवाइन जो है, अजवाइन का पानी, अजवाइन की जो तासीर है वो काफ़ी गर्म होती है, इसलिए पीरियड्स के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स में हमें अजवाइन का यूज करना चाहिए। तो ये जो पानी मैंने बताया है इसको आप जरूर ट्राई करिए। अजवाइन होती है जो काफ़ी गर्म होती है, और अगर आप इसके अंदर गुड़ डालकर इसको लेते हैं तो गुड़ की जो तासीर है वो भी गर्म होती है, तो ये हमारी पीरियड की जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करेगी, पीरियड को रेगुलर करेगी और हमारी काफ़ी हेल्प करेगी। साइड इफेक्ट कोई नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी एज ग्रुप के आप हो इसको ले सकते हैं आराम से, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बस आपको लेने का तरीका मैंने बता दिया है, दिन में 2 बार आपको इसको लेना है। कब कब लेना है? एक तो ब्रेकफास्ट के बाद आपको लेना है, दूसरा आपको सोने से पहले लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब आपकी पीरियड स्टार्ट हो जाए उस समय आपको इसको लेना छोड़ देना है, पीरियड्स के शुरू होने के बाद आप इसको बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आप पीरियड्स में भी इसको लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इसीलिए पीरियड्स के दौरान आप इसको बिल्कुल ना लें, ओनली जब आपके पीरियड्स नहीं आए तब तक आप इसको लें, जैसे पीरियड आना स्टार्ट हो जाए आप इसको छोड़ दें। सो ये थी मेरी वीडियो, इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी सवालों के जवाब पूछने हैं मुझसे तो मुझे कॉमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।